हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आज है 11th ऑफ सितंबर, मंडे। मैंने एक व्लॉग में कहा था कि मंडे मेरा फेवरेट डे है, विच इज़ ट्रू, मंडे मेरा फेवरेट डे है। बट आज जो मंडे है ना, वो एकदम मंडे ब्लूज़ वाला मंडे है। मतलब सुबह से कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, एकदम बोरिंग डे जा रहा है। इनफैक्ट जो कल का संडे था ना, उससे भी ज़्यादा बोरिंग लग रहा है मंडे। बट अभी भी टाइम है, अभी शाम के 6 बजे हैं और अभी भी मंडे को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है जो फर्स्ट हाफ रहता है ना डे का, वो बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं रहता है, बट सेकेंड हाफ बहुत प्रोडक्टिव रहता है। लगता है कि दिन की शुरुआत ही अभी सेकेंड हाफ में हुई है, शाम को हुई है। तो अभी देखते हैं, कुछ ना कुछ घर के काम निपटाते हैं और दिन को प्रोडक्टिव बनाते हैं। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपने किचन में करने डिनर की तैयारी। डिनर बनाने का जिम्मा मैंने उठाया है और घर वालों को खाना है आज पनीर चिल्ली। तो अभी मैं उसकी हाफ प्रिपरेशन करके रखती हूँ और फिर बाद में उसको पूरा बनाएंगे। तो अभी मैं आपको उसकी प्रिपरेशन दिखाती हूँ। तो मैं यूजुअली घर पे ही पनीर बना लेती हूँ, बाहर से पनीर हम बहुत ही कम लाते हैं। तो चलिए इसको उबालने रखते हैं। तो दूध बॉईल करने मैंने रख दिया है पनीर बनाने के लिए। ये फटाफट जब बॉईल हो जाएगा उसके बाद ही हमें कुछ काम होगा। बाकी की प्रिपरेशन जो रहती है वेजिटेबल्स काटने की, वो तुरंत हो जाती है, तो वो हम बाद में ही काटेंगे। पनीर पहले इसलिए बना रहे हैं ताकि वो सेट हो जाए। जब पहले से डिसाइडेड रहता है कि क्या बनाना है, तो खाना बहुत जल्दी बन जाता है और प्रिपरेशन भी उसकी जल्दी हो जाती है। तो फटाफट दूध बॉयल हो, फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। जो मलाई वाला दूध रहता है ना, उससे बहुत ही अच्छा सॉफ्ट पनीर बनता है एज़ कम्पेयर टू नॉन मलाई वाला और नॉन फैट वाला मिल्क। और यहाँ लिया है मैंने थोड़ा पानी, जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच विनेगर। इसको हम दूध में मिलाएंगे और इससे दूध फाड़ेंगे। तो हमारा दूध बॉईल हो गया है, अब इसको सिम में करते हैं और डाल देते हैं विनेगर और वाटर का मिक्सचर। तो गाइस, जो दूध था उसमें मैंने विनेगर और वाटर का मिक्सचर डाला तो फट गया है। लेट मी शो यू दैट। अब फटाफट इसको छानते हैं और पनीर सेट होने के लिए रख देते हैं। अभी मैंने दूध को छान दिया है, इसको 5 से 10 मिनट रखूंगी बस, उसके बाद फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। तो दूसरे काम हम सब निपट गए हैं, सब कुछ हो चुका है, टाइम पास भी हो चुका है, बहुत सारी टीवी भी देख ली गई है। अब बनाते हैं डिनर, अभी भी सिर्फ 8 ही बजे हैं। बाय द वे, जो मैंने पनीर बनाया था वो मैं दिखा देती हूँ कि कैसा बनाया। तो अभी ये कुछ इस टाइप का बनाया है, ये अच्छे से अभी सेट हो गया है। अभी बनाते हैं इसकी पनीर चिल्ली और देखते हैं कि कैसा बनता है। पनीर चिल्ली तो बनाने का सोचे थे, बट शिमला मिर्ची ही नहीं है घर पे, और ये मुझे पता चल रहा है अभी लास्ट मोमेंट में। तो अब क्या करें, अब बिना शिमला मिर्ची का पनीर चिल्ली बनाते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो शिमला मिर्ची का अल्टरनेटिव बन सकती है, तो मैं दिखाती हूँ आपको कि वो क्या है। तो शिमला मिर्ची तो नहीं है, ये पकौड़े वाली मिर्ची है, इसी का यूज़ करते हैं। तो अच्छे से पहले मैं इसे धो लेती हूँ, फिर से कट कर लेती हूँ। तो इसके ना बेसिकली ये बीज, ये सीड सब हटा देने हैं और इसको काटना है शिमला मिर्ची की तरह।
तो सारे बीजे मैंने अलग कर लिए हैं इसके, ताकि ज़्यादा तीखी नहीं लगे ये। और अब इसको काट लेते हैं। तो किचन में कभी कभी ऐसे जुगाड़ करने पड़ते हैं, क्योंकि हर बार हर कुछ नहीं होता है। तो देखिए लग रही है ना एकदम शिमला मिर्ची। अब ये जो प्याज मैंने काटे हैं ना, इसकी सारी पंखुड़ियाँ निकाल लेंगे, इसकी सारी पेटल्स निकाल लेंगे। वैसे आपकी फेवरेट देसी चाइनीज डिश कौन सी है जो आप घर पे खाना बहुत पसंद करते हैं, ज़रूर बताइएगा। इसमें गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिल्ली भी लगती है, तो मैं वो भी कट कर लेती हूँ अभी। ऑलराइट, तो सब वेजिटेबल्स कट हो गई है। अब चलिए फटाफट बनाते हैं। तो अब पनीर को भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है। ये बहुत ही अच्छा बना था, बहुत अच्छे से सेट हो गया था। आप भी ज़रूर घर पे पनीर बनाने का ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बन जाता है और सॉफ्ट भी रहता है। और अब पनीर को फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पे मैदे का घोल बना रही हूँ, जिसमें मैंने सिर्फ सॉल्ट डाला है और जलेबी का रंग डाला है। तो सब्जियां भी यहाँ पे सॉटे हो गई और पनीर भी हो गया है फ्राई। तो अब इसमें सारी सॉसेस और स्पाइसेस मिक्स कर दिए गए हैं और बन गया है हमारा पनीर चिल्ली। बन गया पनीर चिल्ली, इसको खाते हैं और फिर देखेंगे टीवी। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।